हम लोगों ने कोर्ट में देखा है कि अमूमन एक शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, एक्विटल, एक्विटल कि एक्विटल हो गया उनका, फलाने का एक्विटल हो गया। हम लोगों ने सुना होगा कि एक्विटल हो गया। एक्विटल का मतलब बेसिकली होता है कि आप फ्री ऑफ चार्जेस हो चुके, यानी कि आपके ऊपर जो भी आरोप लगे थे वो आरोप अब आप उस आरोप से मुक्त हो चुके हैं, यानी कि आप दोष सिद्ध हो चुके हैं। कोर्ट ने अपने ट्रायल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के बाद पाया है कि आपके ऊपर अब मुकदमा चलाने योग्य, अभियोग चलाने योग्य साक्ष्य नहीं है, और कोई कृत्य जो कहा गया है कि जिस जो आप पर आरोप लगाया गया था कि आपके द्वारा उन कृत्यों को किया गया है लेकिन आपने नहीं किया है, वो साबित हो चुका है ऑनरेबल कोर्ट में विभिन्न सबूतों के माध्यम से, तो उस कंडीशन में कोर्ट आपको दोष मुक्त कर देती है, यानी कि एक्विटल हो जाता है। आई होप दिस वन इज क्लियर। इफ इट इज क्लियर देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे जिनको इस चीज के रिक्वायरमेंट है, जो वाकई में छोटे छोटे लॉ के कॉन्सेप्ट जो कोर्ट में यूज होते हैं उनको समझना चाहते हैं, ये उन तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।